हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड एंड स्टॉक्स। देखिए, रेलटेल जिसका आईपीओ लास्ट मंथ आया फरवरी में और लगभग 94 से 95 रुपीस के ऊपर इसका आईपीओ प्राइस था, लेकिन स्टॉक मार्केट पे इसने भी काफी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए। और अब देखिए, इसके अंदर एक बड़ी न्यूज है, यानी कि कल 22 मार्च 2021 में इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, जिसके अंदर दिसंबर 2020 क्वार्टर्स के रिजल्ट पेश करेगी कंपनी, और साथ ही में अगर कोई डिविडेंड होगा तो उसका अनाउंसमेंट और उसकी रिकॉर्ड डेट भी बताई जाएगी। कल का दिन रेलटेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से देखेंगे, टेक्निकल डेटा इस कंपनी का कुछ बहुत ज्यादा अवेलेबल आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 26 तारीख को देखिए, फरवरी में ही इसने अभी ओपनिंग करी थी, आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद लगातार 3 दिन तक इसने बहुत शानदार तेजी बनाई और ये स्टॉक पहुंचा था उस हाइस पर जो कि थे लगभग 190 रुपए के। तो 95 रुपीज का आईपीओ प्राइस था इसका और वो पहुंचा था 190 रुपए तक, यानी कि 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये 90 रुपए से 190 रुपए हो गया था। लेकिन उसके बाद लगातार इस स्टॉक के अंदर गिरावट आई और ये वापस से अभी जिन लेवल्स के ऊपर खड़ा हुआ है वो है 130 रुपए के आसपास के, यानी कि इन्वेस्टर्स ने यहां से एग्जिट ली और 130 रुपए के ऊपर अभी इसका हाल फिलहाल का स्टॉक प्राइस है। 31 दिसंबर 2020 के क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो कल अनाउंस होने हैं इस कंपनी में, वहां से ये चीज पता चलेगी कि किस तरीके की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि लास्ट क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने दिखाई है और ये कंपनी क्या कुछ डिविडेंड देने जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि मंडे को, यहाँ पर एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि मार्केट के बाद में हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन आए, जो रिजल्ट्स हैं वो उसके बाद में आए और उसका इम्पैक्ट जो है डे आफ्टर टुमारो देखने को मिले, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जिस तरीके से आईपीओ को रेस्पॉन्स मिला था और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लगातार इस के अंदर अवार्ड ऑफ रिसिप्ट के नोटिफिकेशन हमने देखे, यानी कि इस कंपनी को जो ऑर्डर्स मिलते आ रहे हैं उसकी वजह से भी एक अट्रैक्शन पैदा हुआ था यहाँ पर, वो वैसा ही कुछ बाउंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये जो टेम्परेरी गिरावट में कहूंगा इसको जो आई है यहाँ पर मुनाफा वसूली के चलते हायर लेवल से, वो एक रिवर्सल रुख लेती हुई देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ से बेसिकली रिवर्स होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए कंपनी नहीं है, पहले इसके कोई रिकॉर्ड्स खास मौजूद नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टडी करने चाहिए और उसके बाद ही कोई पोजीशन इसके अंदर फर्दर बनानी चाहिए, क्योंकि 190 रुपए से 130 रुपए तक ये करेक्ट होके आ चुका है और किस तरीके का मूव अब आगे रहेगा ये प्योरली डिपेंड करेगा कि कंपनी डिविडेंड कितना देने जा रही है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि इसके अंदर थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए, पहले थोड़ा स्टडी करें रेलटेल के अंदर किस तरीके की अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी लेके आई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रेवेन्यू के अंदर किस तरह की ग्रोथ है, उसके हिसाब से आपको आगे की ट्रैजेक्टरी डिफाइन करनी चाहिए। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का आप देखेंगे डेटा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा अप्रोक्सीमेटली 130 रुपए 90 पैसे के ऊपर ही यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखा रहा है विदाउट एनी चेंज, और 189 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली इसका 52 वीक हाई है 3rd of March 2021 को इसने लगाया था, एग्जैक्टली 4th डे ऑफ इट्स ओपनिंग, और 101 रुपए का इसका 52 वीक लो जो 26 फरवरी 2021 का, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग डे के दिन। सिक्योरिटी विद डिलीवरी पोजीशंस आप देखिए, 50 लाख से ज्यादा शेयरों के अंदर क्वांटिटी ट्रेड है, 16 लाख से ज्यादा शेयरों के अंदर डिलीवरी उठाई गई है एंड अप्रोक्सीमेटली 32% यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आपके सामने आती हुई दिखाई दे जाएगी। तो देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने कंपनी का जब आईपीओ आया था आपको तब दिया था डिटेल के अंदर कि कंपनी किस तरीके से काम करती है एंड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे इनके पास में होता है अपने ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी को बिछाने का रेलवे ट्रैक्स के अलोंग, जो मात्र इसी कंपनी के पास है, पूरी हिंदुस्तान में ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ ओएफसी बिछा सके। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से अगर आप देखें जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर के अंदर इनको हैवी कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट मार्जिन उतने ना दिखाई दें जितने एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है। तो अगर एक लॉन्गर टर्म के अंदर आप देखेंगे, रेलवे की कंपनी है, थोड़ा सा रिस्क फ्री है, डिविडेंड देगी तो उसका आपको पता चल ही जाएगा किस तरीके से डिविडेंड इसके आएंगे और किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, वो सारी चीजें हमें फ्यूचर के अंदर पता लगती हुई दिखाई देंगी, उसी हिसाब से आप इसके अंदर कोई भी मूव बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जिसमें रेलटेल के लिए कल इंपॉर्टेंट दिन है, आपको थोड़ा सा इस स्टॉक को वॉचलिस्ट में रखना चाहिए
और इसके कोई भी नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको बीएससी इंडिया की साइट पर जाके चेक करना चाहिए, तभी देखिए इसके अंदर कोई एक्शन बन पाएगा फर्दर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।